गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम करेंगे नया टॉपिक लोकतंत्र। लोकतंत्र का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, लोकतंत्र के गुण और दोष। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन बनता है, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, क्या वर्तमान में राजतंत्र और अधिनायक तंत्र को समझते हुए, यानी लोकतंत्र ही सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है। तो हमारा क्वेश्चन ये बनता है, छोटा क्वेश्चन ये बनेगा कि लोकतंत्र का अर्थ और परिभाषाएं बताइए। उसमें आप लोकतंत्र का अर्थ राजतंत्र अधिनायक तंत्र से तुलना करते हुए लोकतंत्र का अर्थ बताओगे और उसके साथ ही यानी एक दो लोकतंत्र की परिभाषाएं लिखोगे और विशेषताओं के पॉइंट पॉइंट लिखोगे, साथ में ही अपन इसके गुण दोष भी करेंगे। लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, इसके गुण दोष या लोकतंत्र के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक है लोकतंत्र। लोकतंत्र जैसा कि अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ा राजतंत्र और अधिनायक तंत्र के बारे में, जैसे शासन करने की प्रणालियां, शासन के करने की प्रणालियां या शासन के प्रकार कुछ भी कह सकते हो, यानी तीन प्रकार के बताए मैंने आपको, राजतंत्र, अधिनायक तंत्र को हम कुलीन तंत्र भी कह देते हैं, कुलीन तंत्रीय संस्था। और तीसरा हमारा, हम आते हैं लोकतंत्र में, जो आज का हमारा टॉपिक है। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं, यानी राजतंत्र जैसे इसके नाम से ही स्पष्ट है, राजतंत्र में क्या होता है, राजा का शासन होता है और राजा ही यानी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों प्रकार की शक्तियों का प्रयोग करता है। यह वंशानुगत भी हो सकता है। प्राचीन समय में क्या था, राजतंत्र ही प्रचलित था। उसके बाद हम आते हैं शासन के प्रकार अधिनायक तंत्र पर। अधिनायक तंत्र क्या है, एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के शासन को हम क्या कहेंगे, अधिनायक तंत्र। अधिनायक, ये वर्ड बारी बारी यूज होंगे, इन पे ध्यान देना। अधिनायक तंत्र को क्या कहेंगे हम, एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह हो सकता है, एक व्यक्ति भी हो सकता है और व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है। इसको हम कुलीन तंत्रीय संस्था या दलितों की संस्था भी कह सकते हैं। उसके पश्चात हम आते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या है, इसमें जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन, ये लोकप्रिय परिभाषा है। इसमें क्या है, जनता शासन करती है। तो अब तक का अनुभव हमें यह बताता है कि राजतंत्र और अधिनायक तंत्र को देखते हुए यानी लोकतंत्र ही सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है, क्योंकि राजतंत्र में राजा का शासन होता है, अधिनायक तंत्र में कुछ व्यक्तियों का शासन होता है और लोकतंत्र में ही समस्त जनता, समस्त जनता शासन करती है। तो अब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि तीनों प्रकार की शासन प्रणालियां, राजतंत्र, अधिनायक तंत्र और लोकतंत्र को देखते हुए यानी लोकतंत्र ही सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है। इसमें समस्त जनता की भागीदारी होती है और समस्त जनता की समस्याओं का समाधान होता है। अब हम आते हैं लोकतंत्र पे। लोकतंत्र में हम अलेक्जेंडर पॉप की परिभाषा देंगे। सबसे पहले लोकतंत्र स्टार्ट करने से पहले अलेक्जेंडर, यानी क्या है, उन्होंने क्या कहा, शासन के रूपों के लिए मूर्खों को लड़ने दो,
वही सर्वश्रेष्ठ जो शासन ठीक प्रकार से चले वही सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है। यानी ये बात आपको ध्यान में रखनी है, शासन के रूपों के लिए मूर्खों को लड़ने दो। आगे क्या आएगा, यानी जो शासन की प्रकार से चले वही सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है। यानी अलेक्जेंडर पोप की लोकतंत्र की ये परिभाषा आपको याद रखनी है। लोकतंत्र से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए उसमें आप सबसे पहले ये परिभाषा लिखोगे, यानी शासन के रूप राजतंत्र अधिनायकतंत्र और लोकतंत्र को देखते हुए, यानी शासन के रूपों के लिए मूर्खों को लड़ने दो, यानी जो शासन प्रणाली तुम्हारे देश में ठीक प्रकार से चले वही सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है, जिसमें यानी जनता का अधिकतम हित हो और क्रांति की संभावना कम हो, वही क्या है सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है। और इसके साथ ही एक और परिभाषा है जिसमें गैलब्रेथ ने लिखा है कि परिवार और सत्य सूर्य के प्रकाश और फ्लोरेंस नाइटिंगेल की भांति लोकतंत्र को श्रेष्ठता का संदेश से परे है। तो दोनों को देखते हुए ये परिभाषा ही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होगी। इसके साथ ही हम अब आगे आते हैं लोकतंत्र पे, यानी लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र का अर्थ, प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है। तो हम इसकी स्टार्टिंग ऐसे ही करेंगे, चाहे तो आप ऐसे ये डायग्राम बना देना, चार्ट बना देना छोटा सा, चाहे आप थ्योरी लिख देना। जैसे अरस्तु के समय से लेकर, अरस्तु कौन है, पाश्चात्य विचारक, अरस्तु के समय से लेकर आज तक सामान्यतः शासन व्यवस्था के तीन रूप प्रचलित रहे। यानी क्या है, प्राचीन काल से ही शासन व्यवस्था के क्या है, तीन रूप प्रचलित रहे हैं, जो आपने आपको मैंने पहले ही बता दिया, राजतंत्र अधिनायक तंत्र और क्या है लोकतंत्र। ठीक है, यानी भूतकाल में साधारणतः यानी प्राचीन समय में क्या है, राजतंत्र और अधिनायक तंत्र को ही सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली समझा जाता था। और इसके साथ ही यानी ऐतिहासिक अनुभव से यह स्पष्ट होता है कि राजतंत्र और अधिनायक तंत्र क्या है, समस्त जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती। राजतंत्र क्या है, एक व्यक्ति, और अधिनायक तंत्र क्या है, कुछ व्यक्तियों का ही प्रतिनिधित्व करती है। तो इस प्रकार की शासन प्रणाली से तुलना करते हुए हम कह सकते हैं कि राजतंत्र और अधिनायक तंत्र में कुछ व्यक्तियों को ही प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। इस दृष्टि से क्या है, लोकतंत्र ही सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है जिसमें समस्त जनता राज करती है। क्या लिखोगे, समस्त जनता का प्रतिनिधित्व होता है। समस्त जनता का प्रतिनिधित्व होता है, ठीक है। तो लोकतंत्र ही, अब तक का अनुभव बताता है कि लोकतंत्र ही सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है जिसमें जनता के अधिकतम हितों की पूर्ति होती है। और इसके साथ ही हम आगे करेंगे कि राजतंत्र और कुलीन तंत्र में इस प्रकार की प्रवृत्ति पाए जाने के दो कारण होते हैं। क्या, किस तरह की प्रवृत्ति, यानी राजतंत्र और अधिनायक तंत्र में कुछ व्यक्तियों के हितों की ही पूर्ति होती है, समस्त जनता की नहीं। यानी शासन व्यवस्था के रूप में एक वर्ग विशेष से संबंधित होने के कारण शासक वर्ग जनसाधारण की भावनाओं
से परिचित नहीं हो पाता। यानी हम कर रहे हैं राजतंत्र और अधिनायक तंत्र के बारे में। यानी राजतंत्र और अधिनायक तंत्र में क्या होता है, यानी कुछ वर्ग विशेष के व्यक्तियों, कुछ वर्ग विशेष के व्यक्तियों से संबंधित होने के कारण, होने के कारण क्या है, कुछ लोगों के हितों की ही पूर्ति होती है। इसके साथ ही शासन वर्ग जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। इसमें राजतंत्र और अधिनायक तंत्र में एक पॉइंट तो हमारा ये हो गया, और दूसरा पॉइंट हमारा ये हुआ कि शासक वर्ग जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, क्योंकि वह जनता द्वारा चुना नहीं जाता। इस प्रकार इसमें दो कमियां हैं। इसके साथ ही यदि हम आगे करेंगे, इन दो तत्वों के कारण शासन व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। इन दो परिवर्तनों के कारण यानी कुछ वर्ग विशेष के व्यक्तियों से संबंधित होने के कारण कुछ लोगों के भी हितों और आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और उनकी समस्याओं का समाधान होता है। दूसरा क्या है, शासक वर्ग जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होते, क्योंकि वे जनता द्वारा निर्वाचित नहीं होते और वे अपने हितों के बारे में ही यानी अपने हित से संबंधित ही कानून का निर्माण करेंगे और उनमें संशोधन करेंगे। तो इन दो प्रकार की विशेषता को देखते हुए वर्तमान समय में लोकतंत्र ही उपयुक्त शासन प्रणाली है। अब हम करेंगे शासन के रूप के रूप में लोकतंत्र या शासन के प्रकार के रूप में लोकतंत्र। शासन के प्रकार के रूप में लोकतंत्र। अब हम मेन रूप से आते हैं लोकतंत्र अपने टॉपिक पर। इस प्रकार हम लोकतंत्र की यानी स्टार्टिंग करेंगे और अब हम यानी लोकतंत्र पढ़ेंगे और लोकतंत्र में हम लोकतंत्र के प्रकार पढ़ेंगे। यानी लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष को हम प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र भी कह देते हैं। यानी प्रतिनिधियात्मक जिसमें जनता अपना प्रतिनिधि, नाम से स्पष्ट हो रहा है, जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है और प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन कार्य किया जाता है। जैसे लोकतंत्र अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी विधान के अनुसार डेमोस प्लस क्रेटिया, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र को अंग्रेजी में हम क्या कहेंगे, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी किन दो शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस प्लस क्रेटिया, यानी इन दो शब्दों से मिलकर क्या बना है, डेमोक्रेसी। यानी इसके आगे हम करेंगे, यानी इन दो शब्दों से मिलकर बना है जिसका अर्थ क्या है, शासन करने की शक्ति। यानी इन दोनों का अर्थ क्या है, शासन करने की
शक्ति। यानी अब हम लोकतंत्र कर रहे हैं, लोकतंत्र के दो प्रकार हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष को हम प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र भी कह देते हैं। प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र नाम कैसे पड़ा, कि जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है और प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन कार्य किया जाता है। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे यानी लोकतंत्र क्या है। अंग्रेजी भाषा के डेमोक्रेसी से बना है, यानी जो दो शब्द डेमोस प्लस क्रेटिया से मिलकर बना है। डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी को हम क्या कहते हैं, लोकतंत्र हम इस तरह भी लिख सकते हैं। इसके साथ ही यानी डेमोस प्लस क्रेटिया, इसको हम क्या कहेंगे, यानी इसका अर्थ हम क्या लगाएंगे, शासन करने की शक्ति। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसका वर्णन करेंगे भी। लोकतंत्र क्या है, शासन करने की शक्ति का ही नाम है। इसके साथ ही हम आगे करेंगे लोकतंत्र के प्रकार, यानी एक लंबे समय तक लोकतंत्र का तात्पर्य एक प्रकार के शासन से लिया जाता था, जिसमें विभिन्न विद्वानों द्वारा लोकतंत्र की अलग अलग व्याख्याएं की गई है। जैसे लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता जनता के द्वारा जनता के लिए शासन करती है। यानी ये परिभाषा आपने सिक्स क्लास से पढ़नी शुरू कर दी होगी। राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की परिभाषा है, किसकी, अब्राहम लिंकन। जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन को ही हम लोकतंत्र की परिभाषा कह सकते हैं। आगे ब्राइस के शब्दों में, यानी उन्होंने क्या कहा, लोकतंत्र शासन करने का एक प्रकार है जिसमें राज्य की शासन की शक्ति किसी विशेष वर्गों या प्रतिनिधियों में निहित ना होकर संपूर्ण जन समुदाय में निहित होती है। तो हम क्या लिखेंगे, ब्राइस की परिभाषा। अब्राहम लिंकन के तो आपको ध्यान ही होगा, मैंने आपको बता दिया, साथ में हम ब्राइस की परिभाषा लिखते हैं। यानी ब्राइस ने लोकतंत्र के बारे में क्या कहा है, यानी ब्राइस ने कहा है कि लोकतंत्र शासन का वह प्रकार है, यानी लोकतंत्र शासन का वह प्रकार है। कौन सा प्रकार, जैसे राजतंत्र, अधिनायक तंत्र और लोकतंत्र, वैसे क्या है, लोकतंत्र शासन करने की एक विधि है जिसमें क्या है, सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व, यानी समान मात्रा में उनकी हिस्सेदारी, प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है, न कि एक वर्ग विशेष के हितों को प्राथमिकता दी जाती है। इस प्रकार हमने लिंकन की परिभाषा पढ़ी, ब्राइस की परिभाषा पढ़ी, अब हम आगे राइटर सीले की परिभाषा पढ़ते हैं। उन्होंने कहा, लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का एक भाग होता है। सीले ने इस बारे में कहा है कि सीले के अनुसार लोकतंत्र
हितों का प्रतिनिधित्व यानी प्रत्येक व्यक्ति का एक भाग होता है। अब हमने लोकतंत्र पढ़ा, लोकतंत्र के प्रकार पढ़े, अब हम शासन के प्रकार के रूप में लोकतंत्र, जिसमें हमने राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की परिभाषा पढ़ी, प्राइस की परिभाषा पढ़ी, सिले की परिभाषा पढ़ी, जिसमें सब में यही निष्कर्ष सामने आता है कि लोकतंत्र ही सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है, क्योंकि इसमें समस्त जनता का भाग होता है, हिस्सेदारी होती है, और क्या है यानी राज्य का प्रत्येक व्यक्ति इसमें भाग लेता है। इसके साथ ही हम आगे करेंगे शासन के रूप के रूप में, यानी इतना सब पढ़ने के पश्चात इसमें हमारी तीन प्रकार की विशेषताएं उभरकर सामने आती है। तीन प्रकार की ये लोकतंत्र के अर्थ और परिभाषा में आएगा, यानी इतना पढ़ने के पश्चात तीन प्रकार की यानी विशेषताएं हमारे सामने उभरकर आती है, लोकतंत्र की विशेषताएं। अब वो कौन कौन सी होगी? सबसे पहला है जनता का प्रतिनिधित्व। जनता का प्रतिनिधित्व, अब इतना पढ़ने के बाद इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, यानी क्या है राजतंत्र और अधिनायक तंत्र में क्या है, कुछ ही वर्गों को प्रतिनिधित्व या कुछ ही लोगों को या एक समुदाय विशेष के लोगों को प्रतिनिधित्व मिलता है, लेकिन लोकतंत्र में ही समस्त जनता यानी क्या है राज्य का प्रत्येक व्यक्ति भाग लेता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र में समस्त जनता का प्रतिनिधित्व होता है। दूसरा हम इसमें क्या करेंगे, जनता के हितों का रक्षण, जनता के हितों का रक्षण, यानी हम कह सकते हैं कि वही बात दोबारा रिपीट होगी, यानी राजतंत्र और अधिनायक तंत्र। अब तक का अनुभव हमें यह बताता है कि राजतंत्र में राजा का और अधिनायक तंत्र में कुछ व्यक्तियों का तुलना करते हुए हम चलेंगे, और लोकतंत्र में क्या है जनता के समस्त जनता के हितों और समस्याओं का रक्षण होता है, और ये लोकतंत्रात्मक प्रणाली में ही संभव हो सकता है, क्योंकि राजतंत्र और अधिनायक तंत्र में तो कुछ वर्ग विशेष या कुछ समुदाय के लोगों के ही हितों की साधना होती है। इसके साथ हम अगला इसमें करेंगे जनता के प्रति उत्तरदायित्व, ये प्रमुख कारण है, जनता के प्रति उत्तरदायित्व, यानी क्या है लोकतंत्र में ही यानी जनता अपना शासक चुनती है, और शासक का यह कर्तव्य है कि वह जनता के हितों के बारे में सोचे, उसके विकास कार्य और उसकी समस्याओं के बारे में सोचे, नहीं तो अगर क्या है वो जनता के हितों और समस्याओं को सही ढंग से नहीं देता तो क्या है आने वाले चुनावों में यानी उसके विपक्ष में भी जनता जा सकती है, और वो क्या है प्रशासन नहीं कर सकता। तो आज हमने पढ़ा तीनों प्रकार की शासन प्रणालियां, राजतंत्र, अधिनायक तंत्र और लोकतंत्र के बारे में बताते हुए मैंने आपको बताया कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र में क्या होता है, जनता का शासन होता है, और लोकतंत्र ही अब तक का अनुभव हमें यह बताता है कि लोकतंत्र ही सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी होती है यानी प्रत्येक व्यक्ति का एक भाग होता है, जबकि राजतंत्र और अधिनायक तंत्र में क्या है कुछ वर्ग विशेष या कुछ समुदाय विशेष के लोगों को ही क्या है प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है, उनके हितों की साधना ही की जाती है। फिर मैंने आपको बताया इसकी परिभाषा की, राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र के बारे में क्या कहा, ब्राइस ने लोकतंत्र के बारे में क्या कहा, और सिले ने लोकतंत्र के बारे में क्या कहा, सबका यानी निष्कर्ष यही निकलता है कि इसमें क्या है जनता राज्य का एक भाग होती है और जनता की समस्याओं को सुना जाता है, और क्या है फिर हमने शासन के दो प्रकार किए यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, और उसके पश्चात हमने विशेषताएं की, विशेषताओं में इसका सार निकल के आया है, जिसमें हमने कहा कि
कि जनता का प्रतिनिधित्व, यानी लोकतंत्र में ही जनता का प्रतिनिधित्व होता है, जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है और प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन कार्य किया जाता है। दूसरा क्या है, विशेषता में पढ़ा हमने जनता के हितों की रक्षा, यानी लोकतंत्र में ही क्या है, जनता के हितों की रक्षा संभव है, जबकि राजतंत्र और विनायक तंत्र में ऐसा संभव नहीं है। इसके पश्चात जनता के प्रति उत्तरदायित्व, यानी अब तक का अनुभव हमें यह बताता है कि जनता के प्रति शासक लोकतंत्र में ही उत्तरदायी होते हैं। अगर जनता के हितों के विरुद्ध कोई कार्य किया जाता है तो क्रांति की संभावना बनी रहती है। तो आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे लोकतंत्र के प्रकार को डिटेल से पढ़ेंगे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।